साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपने एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है कि जितने भी लगभग दिन में मेरे पास जितने भी कॉल आते हैं कि सर हमारे उस कंपनी ने हमारे इतना पैसा ले लिया, हमारा पासपोर्ट फंस गया, सर हमें ये बताया वो बताया। खास तौर से आपको पता है मोहाली में रुद्राक्ष ग्रुप वगैरह बहुत सारे एजेंसीज एजेंट के वेबसाइट के नंबर आते हैं कि वहां वो फंस जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि ये फंसते, आप लोग क्यों फंसते हो, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? तो साथियों सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अपना खुद का लालच, यहाँ का जो लालच है ना ये अपने को मरवाता है। क्योंकि इसके मैं कुछ 7-8 पॉइंट मैंने नोट करे, मैं आपको बताऊंगा ये बातें कि अपन लोग फंसते क्यों हैं। क्योंकि जो काम गलत करते हैं उनका तो काम है देखो फंसाना, जो काम करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन यार कम से कम अपने ऊपर भी तो डिपेंड होना चाहिए ना कि अपन क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि ये मन में लालच होता है इंसान का, लालच कहाँ होता है कि यार उस कंपनी में कम समय में काम हो रहा है, कम पैसे में काम हो रहा है, सैलरी 4 गुना मिल रही है, ठीक है, बहुत जल्द काम हो रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे काम हो जाता है। ये ऐसे कुछ रीजन होते हैं जिस वजह से अपन फंस जाते हैं। कुछ पॉइंट मैंने नोट किए, मैं आपको बता दूं साथियों, क्योंकि लालच बुरी बलाए है, आपको आपने सुना भी होगा, आम आदमी इसको जानता है कि अपनी लालच की वजह से होता है। आप कहाँ का दिक्कत होती है, आपको ज्यादा सैलरी चाहिए, समझ रहे हो बात को, आपको परमानेंट जॉब चाहिए, आपको कम समय में जल्दी जॉब चाहिए, आपको अच्छी सैलरी चाहिए, जिसने अपनी योग्यता उससे बहुत ज्यादा अपन उम्मीद करते हैं कि यार अपना काम लेवल इतना है लेकिन अपने को लेवल उतनी सैलरी चाहिए, अपने को कम पैसे वाला काम चाहिए। ऐसे कुछ रीजन हो जाते हैं जिस वजह से अपन ठगे जाते हैं, ठीक है, और लोग इसीलिए तैयार बैठे हैं क्योंकि उनको पता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर कनेडा 1 लाख रुपए में भेज रहा है, कनेडा सैलरी वहां से डिडक्शन करवा लीजिए, ये होता है। दुबई में 20,000 रुपए में भेज रहा है, सैलरी 50,000 रुपए मिल रही है, तो एक जेन्युइन बंदा 70-50 हजार लेके दुबई ले आपको मान लीजिए भेज रहा है, एक मेरे मान लीजिए एक फ्रॉड एजेंट बैठा है, एजेंसी बैठी है या फिर वेबसाइट मान लो कोई, वो 20,000 में आपको 50,000 सैलरी दिलवा रहा है, तो आपका मन कहाँ करेगा उधर जाने के लिए? ईमानदार, अरे ये तो गलत है, ये पैसा ज्यादा मांग रहा है, ये 2 महीने बोल रहा है, वो 15 दिन में फ्लाइट करवा रहा है। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि ये फंसने का रीजन साथियों अपना खुद का है, दूसरे को अपन दोष न दें तो ठीक होगा। क्योंकि कम समय में ज्यादा आपको तनख्वाह चाहिए, तुरंत आपको जॉब चाहिए, अच्छी आपको सैलरी चाहिए जो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी अपने को ज्यादा स्किल वाली जॉब चाहिए, ठीक है साथियों। कुछ चीजें ऐसी हैं क्या आपको ज्यादा सैलरी चाहिए, पॉइंट मैं नोट करवाऊं, आप अगर सोच रहे क्या आपको ज्यादा सैलरी चाहिए, क्या आपको परमानेंट जॉब चाहिए, क्या आप अपनी योग्यता के अनुसार सैलरी ज्यादा लेना चाहते हैं, क्या आप कम सैलरी में जॉब नहीं करना चाहते, ये सब रीजन होते हैं साथियों, इसी वजह से अपन लोग फंस जाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, कोई अगर आपको ऑफर दे रहा है कि यार मेरे पास ये है फलाना ढिमका, तो भाई बचो। अगर आपको ईमानदारी से जॉब करना है, लाइफ टाइम के लिए सेटल होना है, और आपको अगर मैं बता दूं साथियों जॉब अच्छे जॉब की क्या निशानी होती है, टाइम मिनिमम टाइम होता है उसमें 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरी बात एक नोट करने वाली बात है कि अच्छे जॉब में परमानेंट जॉब में हमेशा सैलरी कम रहेगी, ये नोट करने वाली बात है, नोट कर लेना। अगर आपको सही जॉब चाहिए तो सैलरी हमेशा कम रहेगी साथियों, ज्यादा सैलरी के चक्कर में अपन लोग मरते हैं। जितने भी मेरे पास कॉल आते हैं 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी से नीचे बात नहीं करते, जबकि उसको पूछे 10वीं पास कोई नहीं होता, तनख्वाह उनको 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए, इस वजह से आप लोग फंस जाते हो। तो इन चीजों से बचे, जेन्युइन काम बता दूं उसको क्या निशानियां, सैलरी हमेशा लिमिट में रहेगी उनकी, ठीक है, जिसकी जिसकी कैटेगरी है ना वैसी आपको सैलरी मिलेगी, टाइम उसमें ज्यादा लग सकता है, पैसे भी उसमें उस हिसाब से लगेंगे, समझ रहे साथियों। ये तो कुछ चीजें हैं, तो मैं आपको बता दूं, खास तौर से जो आपको लालच देते हैं एजेंट मान लो, ऑफिस मान लो, या फिर वेबसाइट पर भी आजकल फेसबुक पे पेज वगैरह आ रहे हैं, तो लोग फोन करते हैं सर हमारे पास वहां से कॉल आया, सर आज मेरे पास एक कॉल आया एक साथी का सिंगापुर का, 15,000 रुपए मेडिकल लेके कलकत्ता पहुंचो। आप बताओ जी, सिंगापुर के 15,000 मेडिकल लेके और बंदे को घर बैठे सेफ्टी ऑफिसर बनाया जा रहा है, सिंगापुर भेजा जा रहा है, सिर्फ उसने पासपोर्ट की कॉपी स्कैन करी, एक फोटो डाली, 7वें दिन उसका ऑफर लेटर आ गया सेफ्टी ऑफिसर का, सैलरी $1,800। अब सोचो बंदा नहीं फंसेगा, उसने मुझे मेरी फीस डाली, फिर उसको मैं क्लियर करके दिया भाई ऐसे नहीं ऐसे है, तो कम से कम उसके 15,000 तो बचे, सिंगापुर का 15,000, मेडिकल इंडिया में है ही नहीं 15,000 का, कहां का मेडिकल होता है, लेकिन बस लोगों को बेवकूफ बनाने का सिस्टम होता है, लोग भी ठगे जाते हैं, आप लोग इसीलिए ठगे जाते हो। सिंगापुर में 70,000 सैलरी है, आपको 30,000 देना है मेडिकल के 15,000, लो जी 45,000 में आप सिंगापुर पहुंच जाओगे, जबकि लोग 2-2-3-3 लाख लिए घूमते, उनका काम नहीं होता, इसी वजह से आप लोग फंसे जाते हैं। तो इन चीजों से अवॉइड करो, इन चीजों से बचो, और हो सके तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे मैं नई अपडेट डालूं आपके पास पहले पहुंच सके, ठीक है साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।